संसद के बजट सत्र के शुरू होने के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन, 26 जनवरी को हुई घटना और सरकार की उपलब्धियों पर विचार रखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के पारित इन कृषि कानूनों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है और सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। बजट सत्र के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को हुई घटना पर कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे और जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपर रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है।